हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है कि सभी बच्चों को? तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के 30 MCQs। बाकी हम लोग यहाँ के 100-200 MCQs हम लोग ऑलरेडी अन अकेडमी पर कर चुके हैं। स्टिल हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और ज्यादा डिटेल पढ़ाई कर रहे हैं जिससे कि आपको और ज्यादा मजा आए। और ये शॉर्ट वीडियो है जिससे कि आपके एग्जाम से पहले आप देख के और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए तो हम अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस के थ्रू वहाँ पे कर लेते हैं। राइट, आई गेस आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। तो चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। ओके, सो गाइज विद द एंथम लेट्स क्रैक इट एंड वी आर डूइंग 30 MCQs ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है और ये वाला फेमस क्वेश्चन हम लोग बहुत बार नॉक्टर्नल सीरीज में किए हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन। ओके, नॉन एंडोस्पर्मिक का एक और क्लासिकल नाम है एक्स एल्बुमिनस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एक्स एल्बुमिनस। अब एक्स एल्बुमिनस के लिए आज से आप लोग याद रख लीजिएगा एक्स पॉप जी। ठीक है, एक्स पॉप जी मतलब पी ऑर्किड बीन और ग्राउंडनट आप याद रख सकते हो। तो एग्जाम में कभी भी आएगा तो अब आप गलती नहीं करने वाले हो इस क्वेश्चन के लिए, आई गेस मैं एश्योर कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, मेरी आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को यहाँ पे? यस, एकदम आवाज आ रही है। ओके चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आगे बढ़ते हैं। आज और नॉक्टर्नल नहीं है, यही है जो अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको मार्किंग्स बतानी है। क्या करनी है? मार्किंग्स बतानी है 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 ऑल्सो। ओके, तो बेसिकली आपको एक पोलन ग्रेन दिया गया, उस पर मार्क करना है। ओके, तो शायद सबको पता होगा नंबर 1 वाले पे क्या चीज का मार्किंग है ये। ये स्पोरोपोलेनिन मतलब बेसिकली डिपोजिशन, तो एक्साइन का है। राइट, ओके, देन 2 नंबर अंदर वाला मार्किंग है, तो ये क्या हो गया? एंटाइन हो गया। ओके, वेरी गुड। 4 नंबर गैप का मार्किंग है। गैप मतलब जहाँ पे एक्साइन एबसेंट है उसको क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। तो 4 नंबर वाला जर्म पोर होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में क्या बोलते हो, हो गया आंसर। यस सर जी, सॉरी, बहुत सही आंसर आ गया। 2 का डी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 2, ओके, कोई नॉक्टर्नल नहीं, आज यही वाली सीरीज है। ओके, आज यही है बिकॉज थोड़े मेरे एग्जाम से, तो इसीलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आयुष जी, जब देखो, जब जब तक ऑफिशियल ट्वीट ना आ जाए तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए नोटिस। ओके, यहाँ पे 2 प्लांट दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का पॉलिनेशन हो रहा है। P1 में क्या होगा? ये एक फ्लावर में ही हो रहा है, ये बेसिकली एक फ्लावर में ही हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे ये एक फ्लावर के अंदर ही हो रहा है, तो ये ऑटोगैमी ही है। वेरी गुड सर जी। ओके, उसके बाद वाला क्या है? सेम प्लांट के अंदर ही हो रहा है, डिफरेंट फ्लावर है बट ओके, डिफरेंट फ्लावर है बट प्लांट तो सेम है, तो आंसर भी नंबर सी। ये जिटनोगैमी हो जाएगा और ये जेनोगैमी, दो अलग अलग प्लांट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ आ गए आते हैं। चलिए जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसी के साथ सर जी इसमें क्या पूछा गया आपसे, ये भी एनसीईआरटी में। दिस इज एन एग्जाम्पल ओके ऑफ ओल्ड वायबल सीड एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक तुंद्रा। नाम में आ गया आर्कटिक, देती आंसर आ गया। इसमें क्वेश्चन खाली देना चाहिए था 10,000 ईयर का डोरमेंसी के बाद वो जर्मिनेट किया, वहीं से आंसर आ जाता आपका, उसमें और ज्यादा और सोचना नहीं पड़ता। लुपाइनस आर्कटिकस, और 2000 साल का डोरमेंसी के बाद जो टूटा था उसका नाम क्या है? उसका नाम याद है क्या, 2000 साल की डोरमेंसी के बाद वाला? ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। पॉलीएम्ब्रायोनी, अगर आपको पढ़ा होगा आपने पॉलीएम्ब्रायोनी के बारे में, एक नॉर्मल 39 पॉलीएम्ब्रायोनी वाले, आंसर आ गया सिट्रस। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 5 इजिली डन, इजिली। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या सवाल दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 6? ओके, द सेल्स ऑफ द टेपेटम पोजेस डैश साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव डैश न्यूक्लियस। एनसीईआरटी का लाइन। क्या पूछा गया है? कैसा कैसा होता है उनका साइटोप्लाज्म? डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टीपल न्यूक्लियाई बोलते हैं क्या? क्या बोलते हो? जल्दी से बता दीजिए 6 का क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा आंसर? जल्दी से देख लेता हूँ मैं। ओके, लैग नहीं हो रहा ना? सही चल रहा है, तो 6 का आ गया सभी का आंसर। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। एंडोस्पर्म, सबको पता है सर जी, प्लॉइडी 3n वाले ट्रिप्लॉइड इन द एंजियोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम। एंडोस्पर्म कहाँ, किससे डेवलप हुआ होगा? जाइगोट, सेकेंडरी न्यूक्लियस, चलाजल पोलर न्यूक्लियस या फिर माइक्रोपाइलर पोलर न्यूक्लियस? आंसर आ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। राइट, क्या आना चाहिए? सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक मेल गैमेट आया, इसके साथ मिला, पेन बना दिया, पेन PN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। 7 नंबर डन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने देते हैं, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी? आराम से, द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में एक सिंगामी, एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है।
एक सिंगामी और एक ट्रिपल फ्यूजन, राइट। ओके, तो बेसिकली क्या क्या हो रहा है इसमें, कितने न्यूक्लियस मिल रहे हैं, यहाँ दो और यहाँ तीन, तो टोटल पांच न्यूक्लियाई, राइट। मेल की तरफ से दो न्यूक्लियस आते हैं टोटल, और तुम्हारे फीमेल की तरफ से टोटल तीन न्यूक्लियस आते हैं, दो तीन पांच हो जाएंगे न्यूक्लियाई जब पूछा जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फोकस करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट है ये। डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1898 बाई फ्रिटलेरिया, ओके, बाई डैश इन फ्रिटलेरिया एंड लिलियम, नाम सुने नवश्चन एंड गुडनार्ड का, यस सर सुना है, तो आंसर भी नवश्चन, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया है। ओके, द अरेंजमेंट, ये बाहर से अंदर की तरफ जो वॉल्स होते हैं ना फ्लावर के, चार वॉल्स आपने पढ़े हैं, तो क्या पढ़ते हो, कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गाइनोशियम, राइट। कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गाइनोशियम, राइट, वेरी गुड, आ गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चलिए जल्दी से देखते हैं। ओके, द मेल गैमेट ऑफ द स्पर्म्स आर डेवलप्ड फ्रॉम जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल की प्लॉइडी कितनी होती है, कोई कमेंट में बता दो यार। जेनरेटिव सेल की ऑलरेडी प्लॉइडी एनी होती है, तो वहां से जो मेल गैमेट बन रहे हैं तो कैसे बने होंगे, माइटोसिस के थ्रू बने होंगे, माइटोसिस के थ्रू बने होंगे, एकदम इजी, एकदम पानी सवाल, यस क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, आइए जल्दी से फोकस करते हैं। द आउटर मोस्ट एंड द इनर मोस्ट, बाहर वाला और अंदर वाला, माइक्रोस्पोरांजियम का है, सबसे बाहर पे क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, और सबसे अंदर क्या होता है जी, सबसे अंदर, सबको इजी, एकदम इजी लगेगा सर, टेपेटम, यस लगा दें, यस वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13, आइए फोकस। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के टाइम मियोसिस अकर्स इन, ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी कितनी होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n होती है, माइक्रोस्पोर जो बनता है उसकी प्लॉइडी n होती है, तो सर जी कहाँ पे मियोसिस हुआ होगा, ऑब्वियसली इन द MIMC, राइट, इट इज अ मियोसाइट, राइट, तो ये प्लॉइडी एकदम एकदम सही चल रहा है, यहाँ तो कमेंट में करना पड़ेगा, डोंट वरी, हम लोगों की अनअकैडमी पे जल्दी ही फ्री क्लास होने वाली है, तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए, मोस्ट प्रोबेबली परसों होगी शायद, या फिर कल अगर एक क्लास लगा पाए तो डेफिनेटली लगा लेंगे, बट थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो इसका आंसर आ गया, वेरी गुड, MIMC वाला कहानी है, यस। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये जो है ना थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चल गया, ये बता रहा हूँ आपके जो भी स्टडी मटेरियल या टेस्ट जो होते हैं ना उस टाइप के क्वेश्चन बन गए, जो टेस्ट सीरीज आप लोग रेगुलर चलती है कभी कभी उसमें, जैसे ये पूछा जाता है हॉर्स शू शेप्ड, ये आप लोगों के थोड़ा सा एडवांस आ गया, ये नहीं आने वाला एग्जाम में, ऐसे पहले आता था, अब नहीं। इसका आंसर क्या होने वाला है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हॉर्स शू, हॉर्स में एच आ रहा है तो एम्फी आपको खोजना है, क्या खोजना है, एम्फी, आंसर आ गया एम्फीट्रोपस हॉर्स शू शेप्ड, ओके, हॉर्स शू घोड़े का जो नाल होता है ना वैसे वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, आ जाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, पॉलीगोनम टाइप, याद है पंचानन महेश्वरी जी, यस सर, पंचानन महेश्वरी जी से रिलेटेड ही है ये। ओके, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक, बेसिकली सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड होता है, राइट, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड, वेरी गुड। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या सवाल है आपके यहाँ पे, व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द इंटेगुमेंट, थ्रू द इंटेगुमेंट जब एंटर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, देखो जब माइक्रोपाइल से एंटर कर रहा है पोरोगैमी, वेरी गुड, जब इंटेगुमेंट से एंटर करेगा तो उसको मेसोगैमी बोलेंगे, क्लियर, उसको क्या बोलेंगे, मेसोगैमी, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, यहाँ सुमोना जी, मैं, ओके, मेजवीन जी, मानसी जी, सभी बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। चलिए, फॉर सेल्फ पॉलिनेशन द फ्लावर मस्ट बी, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ऑटोगैमी होगा तो बेसिकली फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर विल बी बाइसेक्सुअल, वेरी गुड, एक फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों पार्ट होने चाहिए, यस। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, आइए फोकस करते हैं। ओके, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विदस्टैंड द इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाई एनी एंजाइम इज डैश, क्या हो जाएगा सर, सबसे स्ट्रांग वाला हो जाएगा, याद है हम लोग प्लांट का स्ट्रांग मटेरियल में पढ़ते हैं ना, ये स्पोरोपोलेनिन, वेरी गुड, स्पोरोपोलेनिन अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है, ये टेपेटम से आ रहा है, ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है,
बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगामी। ऑटोगैमी मतलब पता है कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो ऑटोगैमी होगा, या फिर एक पेड़ के अंदर एक मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर ऐसा ऐसा फ्लावर हुआ तो उसमें जिटोनोगैमी होने के चांसेस होते हैं। तो पपाया का जो प्लांट होता है दैट इज डायोशियस। और डायोशियस का मीनिंग क्या होता है सर यहाँ पे? ओके, डायोशियस का मतलब एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, दो अलग अलग हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा पपाया। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ओके आज फोकस करें क्वेश्चन नंबर 20। ओके, नॉक्टर्नल नहीं होगा आज, नहीं होगा आज और कल नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी ट्राइंग कि आपको परसों मैं लगा पाऊँ एटलीस्ट कंपेंसेट करने के लिए क्लास। ओके, पोलन वायबिलिटी फॉर द रोजेसी फैमिली मेंबर इज अबाउट, रोजेसी के लिए कितना हो जाएगा? ओके, लेट्स सी, सेवरल मंथ्स। ठीक है, सेवरल मंथ्स हो जाते हैं। वेरी गुड सर, यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्युत जी मेरे से पूछ रहे हैं डिड द पोर्शन रिड्यूस? ओके, वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आई नो दैट मार्केट बहुत गर्म है, एवरी वन इज डूइंग एवरी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द व्यूज एंड एवरी थिंग। सो अभी आपके लिए बस मैं भी एक दो वीडियो बना लेता, बट एक्चुअली आई डोंट हैव टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ माई एग्जामिनेशन, राइट? तो आप समझ पा रहे हो, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। आपको बता दिया जाएगा, एक हफ्ते के अंदर तो आ ही जाएगा ना। सो गाइज लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा? ओके, आराम से, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक इज। ओके, एम्ब्रायो सैक, मेजोरिटी ऑफ द प्लांट एंजियोस्पर्म में कैसा होता है एम्ब्रायो सैक? मोनोस्पोरिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोस्पोरिक? याद करिए, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से बन रहा है ना। ओके, चलो एकदम बढ़िया। ओके, चलो क्लियर हो गया यहाँ पे एकदम। ओके, वेरी गुड सर, आ जाइए मोनोस्पोरिक क्लियर। आ जाइए नेक्स्ट, आज नॉक्टर्नल नहीं होगा, आज नॉक्टर्नल नहीं, आज यहीं तक रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 22? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन पूछा गया है ना, हाइड्रोफिली। आ जाओ, युक्का प्रोनुबा? नो, युक्का वाला तो नहीं। नो सेल्विया, नॉट फिकस। फिकस बेंगालेंसिस का नाम सुना होगा आपने, राइट? है ना, जोस्टेरा हो जाएगा। जोस्टेरा, वेरी गुड, जोस्टेरा। ओके, चलिए नहीं, जोस्टेरा का कोई अदर नेम है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखो ये लाइव है ना, यूट्यूब के लाइव का ये फायदा है कि आप लोग कमेंट्स कर सकते हो जोस्टेरा का। ओके, हेलो जी, नाउ ए बी सी को आपको बताना है। ओके, चलो यहाँ पे फोकस करते हैं। प्लॉयडी इसकी एन है, इसकी प्लॉयडी 2n है, और ये बना 3n, तो ये तो एंडोस्पर्म ही है, राइट? तो एंडोस्पर्म सी में यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, दो जगह लिखा है। अब आइए देखते हैं, यहाँ मेल गैमेट की प्लॉयडी 2n, नॉट एट ऑल सर। तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी पोलर न्यूक्लिया एंड दिस विल बी मेल गैमेट। सी ग्रास, वेरी गुड, जोस्टेरा का एकदम सी ग्रास, बहुत सही पकड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्या सवाल पूछा गया आपसे? द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट पॉलिनेटर्स आर, मोस्ट कॉमन इंसेक्ट पॉलिनेटर कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? एंट, एफिड्स। ओके, चलो आ जाओ यहाँ पे, क्लियर हो रहा है? एंट्स, एफिड्स, वास्प और बीज। क्लियर? आई गेस एकदम क्लियर हो रहा है ये चीज। ओके, बेसिकली एक ही मेगा स्पोर बनता है ना, एक फंक्शनल मेगा स्पोर, इसीलिए वहां पे मोनोस्पोरिक वाला टर्म है जी। ठीक है, ओके, ये सब चीज याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है वो। ओके, चलो चलो नेक्स्ट सवाल कर लें, नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट को आगे बढ़ते हैं आराम से। ओके, कहाँ गया दूसरा सवाल, फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आ गया सवाल, आओ पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट बाहर जाके डेवलप नहीं करेगा, ऑब्वियसली अंदर ही रहेगा, तो इट अकर विद इन द ओव्यूल एंड इट इज इन सीटू, एकदम करेक्ट है। बट जो तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट होता है उसका पार्शियली इन सीटू पार्शियली एक्स सीटू होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो गलती मत करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या सवाल है यहाँ पे, आइए फोकस करते हैं। पोलन एलर्जी इज कॉमनली कॉज्ड बाय द पोलन ग्रेन्स ऑफ, पोलन एलर्जी सर, पोलन ग्रेन्स ऑफ, याद है कांग्रेस ग्रास भी बोला गया था इनको, देन याद आ रहा होगा आपको, यस, इम्पोर्टेड वीट के साथ, यस, पार्थीनियम, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या सवाल पूछा गया आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली लूज देयर वाइबिलिटी, ओके, पोलन वाइबिलिटी इन 30 मिनट, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है, विद इन 30 मिनट वाले का आंसर। ओके, लेट्स सी, विद इन 30 मिनट वाला क्या कर रहे हो आप लोग, अभी भी बताया था पोएसी, वेरी गुड, वीट राइस वाली कहानी है ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, आइए फोकस करते हैं। पेरिस्पर्म, याद आ रहा है पेरिस्पर्म किसको बोलते थे? रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस,
न्यूसेलस की प्लॉइडी कितनी थी? 2n थी न्यूसेलस की प्लॉइडी। एग्जाम्पल क्या है पेरिस्पर्म सीड का? बीट और ब्लैक पेपर। वेरी गुड, बीट एंड ब्लैक पेपर। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या सवाल दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, एश्योर्ड सीड सेट विल अकर इन, ओके, जिस प्लांट के अंदर या जिस फ्लावर के अंदर क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे जो बंद रहते हैं मैच्योरिटी के टाइम पे, याद आ रहा है? ओके, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एश्योर्ड सीड सेट, कॉमेलिना पे लगा दे ताला। यस, कॉमेलिना पे लगा देते हैं ताला, एकदम बढ़िया। गाइस अभी तक जिस जिसने लाइक नहीं किया है, लाइक वाइक ठोक देना जल्दी से इफ यू आर फाइंडिंग द सेशन यूजफुल। एंड बहुत सारे और सेशन है, अगर आप मेरी नीचे प्रोफाइल का लिंक चेक करोगे तो उसमें और सारे सेशन है। प्रोफाइल पे जाके स्पेशल क्लास को चेक करना, जस्ट गो एंड चेक द स्पेशल क्लास, राइट? ओके, उसके अंदर अगर आप इनवाइट कोड मांगे तो सौरभ लाइव, नहीं मांगे तो और बेटर है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्या सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30? ओके आओ फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या सवाल है? हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन? याद करो पोलन ग्रेन, एश्योर्ड सीड सेट का मतलब होता है कि भाई तेरे को पता है सीड सेट मिलेगा ही मिलेगा, राइट? ओके आराम से चलिए ये सवाल। तो सर 100 पोलन ग्रेन बनाने, याद करो एक मियोटिक डिविजन जब होता था, एक मियोटिक डिविजन की मदद से टोटल 4 पोलन ग्रेन बनते थे। 100 बनाने तो क्या करोगे, n/4 लगा दोगे, n/4। थैंक यू बिजन जी। ओके n/4 मतलब 100/4 के, याद ना, 25 हो गया। और फंक्शनल मेगास्पोर बनाने, 100 के लिए 100 ही लगेगा, तो 25 और 100 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, क्लियर हो गया ना ये सवाल आप सभी का। चलिए क्वेश्चन 31 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या सवाल पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 31 पे, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बिकम्स डैश एंड द जाइगोट बिकम्स डैश। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बन जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म, आ जाओ यहाँ पे, एकदम बढ़िया से सवाल है, सब आ कर रहे हैं क्या? चलो कोई नहीं, ये बता दो। ओके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म बनाएगा सौरभ भैया, जाइगोट एम्ब्रायो बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हो गया। ओके गाइस कल हम लोग सेम टाइम पे मिलने वाले हैं। अगर आपने यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो आप रिकॉर्डिंग, हमने क्या क्या कवर कर दिया मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ। इफ यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डेड वीडियो प्लीज डू कमेंट राइट। रिकॉर्डिंग में हमने ह्यूमन फिजियो पूरी खत्म कर दी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा खत्म है हमारा यहाँ पे इस वाली सीरीज में, यूट्यूब में मेरे इस वीडियो में, ठीक है? और प्लांट फिजियो भी हमने खत्म कर दिया इस सीरीज में, और हम लोग रिप्रोडक्शन भी जल्दी खत्म करने वाले हैं। सेल का हम लोगों ने खत्म ऑलरेडी कर दिया, सेल वाला पूरा यूनिट खत्म हो चुका है, और हमारा टारगेट है नेक्स्ट इस वीक में ये रिप्रोडक्शन के बाद जेनेटिक्स को भी कवर कर देने का। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, सी यू सून। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, लेट्स क्रैक इट।